नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों, इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियाँ हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है, उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों, इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है, वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें, तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है, जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू, हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों, जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था, वो जो रामा नायडू थे, ये वही हैं जो सेम कपल्स, जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे, सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और दोस्तों, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों, यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी। और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की, यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों, इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना, और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना, यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमैनिटी बाय
स्टूडेंट मधु, यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों, तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने वो पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वे 2.90 करोड़ इन 1980, यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था। और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम सिंहपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें, तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू, हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर
1974, यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे, ये वही हैं जो सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिनी, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था, और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था, और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी, और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की, तो किशन इज द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन, ही इज मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड, यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था, जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमैनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु, यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर, और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट, और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980, यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन, और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था, और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों, मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं,
लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे ये वही हैं जो इस सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी, और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमिनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों, तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा।
इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980, यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन, और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था, और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है, वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें, तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू, हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974, यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे, ये वही हैं जो इस सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से।
अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूजिक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था, और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी, और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था, जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमिनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों, तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वे 2.90 करोड़ इन 1980। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था, और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम सिंहपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियाँ हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है, उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है, वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें, तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है, जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू, हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था, वो जो रामा नायडू थे, ये वही हैं जो इस सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी। और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की, यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना, और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना, यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमिनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी, वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों, तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में
जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था, और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों, मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे ये वही हैं जो सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने दिया था और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी।
अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की, तो किशन इज द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमिनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों, तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था, और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन
ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे ये वही हैं जो सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिनी उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों तो इसमें जो म्यूजिक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी। और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है। और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब्लम पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमैनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था। और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश
ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों, इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है, उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों, इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है, वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों, और अन्य डैनी की भी अगर बात करें, तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है, जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू, हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों, जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था, वो जो रामा नायडू थे, ये वही हैं जो इस सेम कपल्स, जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे, सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और दोस्तों, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों, यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी, और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की, यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों, इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि
दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था, जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमिनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु, यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर, और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट, और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने वो पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980, यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन, और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था, और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों, मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं जो फैक्ट हैं वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉल्ड
कॉमर्शियली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे ये वही हैं जो सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना दूसरों को प्रैंक करना यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमैनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वे 2.90 करोड़ इन 1980। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम सिपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले
मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों, इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों, इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे ये वही हैं जो सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी। और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमिनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है।
ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों, तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980, यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था। और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम सिंहपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें, तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू, हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर
ऑन 1974, यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे, ये वही हैं जो सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था, और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था, और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी, और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन, ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड, यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था, जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमैनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु, यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर, और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट, और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980, यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन, और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था, और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों, मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं,
लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है, उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है, वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें, तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है, जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू, हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था, वो जो रामा नायडू थे, ये वही हैं जो इस सेम कपल्स, जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे, सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी, वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी। और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की, यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है, वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना, और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना, यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमैनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी, वो उनको ह्यूमिलिटी, यानी जो इंसानियत है, उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों, तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है, अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा।
इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वे 2.90 करोड़ इन 1980, यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन, और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था, और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें, तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू, हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974, यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे, ये वही हैं जो इस सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से।
अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था, और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी, और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की, तो किशन इज द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना, और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमिनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों, तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था। और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियाँ हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है, उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है, वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें, तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है, जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू, हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था, वो जो रामा नायडू थे, ये वही हैं जो सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी। और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमिनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी, वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों, तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में
जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था, और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों, मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे ये वही हैं जो इस सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों तो इसमें जो म्यूजिक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी।
अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमिनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों, तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की, तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वे 2.90 करोड़ इन 1980। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था। और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम सिंहपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन
ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे ये वही हैं जो सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी। और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है। और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था। जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमिनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था। और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश
ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों, इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की, तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन्स ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है, उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों, इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है, वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें, तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है, जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू, हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों, जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था, वो जो रामा नायडू थे, ये वही हैं जो इस सेम कपल्स, जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन, उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था। और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और दोस्तों, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों, यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी, वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी। और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की, यानी कहानियाँ की, तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों, इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना, दूसरों को प्रैंक करना, यानी कि
दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था, जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन इम्यूनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु, यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर, और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट, और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने वो पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980, यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन, और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की, तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था, और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों, मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बंदिश फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक यह अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि आपको यह फिल्म फ्री में दिखाया जाए। और दोस्तों इस फिल्म को अभी कुछ पैसे 50 या 100 रुपये खर्च करने के बाद आप कुछ अलग अलग जो चैनल्स हैं जो कुछ कुछ अलग मूवीज़ के ऐप हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आने वाले वक्त में यह परमिशन आती है अपलोड करने की तो मैं ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी मूवी तो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ जो कहानियां हैं जो फैक्ट हैं वो ज़रूर मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, जिससे दोस्तों आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाए इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें बंदिश फिल्म की तो यह दोस्तों 1980 में आई हुई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका दोस्तों जो डायरेक्टर है वो के बपाइन ने दोस्तों किया हुआ है। और अगर बात करें दोस्त इसकी जो स्टार है उसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिन और डैनी ने काम किया है। दोस्तों इस तीनों के बारे में क्या कहना, जब भी किसी फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिन होती है वह फिल्म तो सुपरहिट होती ही थी पहले के दौर में। तो इसमें दोस्तों और अन्य डैनी की भी अगर बात करें तो यह एक नेपाल से आए हुए कलाकार है जिन्होंने भारत में अपनी दोस्तों अभिनय का एक लोहा मनवाया था। दिस मूवी इज़ कॉल्ड
कॉमर्शली अटेम्प्टेड बाय डी रामा नायडू हु हैड अर्लियर प्रोड्यूस्ड प्रेम नगर विथ द सेम लीड पेयर ऑन 1974। यानी कि दोस्तों जो इस फिल्म का कॉमर्शियल अटेम्प्ट किया था वो जो रामा नायडू थे ये वही हैं जो सेम कपल्स जो हमारे एक्टर थे राजेश खन्ना और हेमा मालिन उसके लिए सेम प्रेम नगर में दोस्तों 1974 में आई हुई फिल्म के लिए किया था। इस फिल्म की अगर दोस्तों म्यूज़िक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें दोस्तों म्यूज़िक दिया था और ये फिल्म दोस्तों 8th हाइस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर यानी कि 1980 में आई हुई जितनी भी मूवी थे उसमें दोस्तों ये 8वीं पायदान पे थे सबसे हाईएस्ट मूवी देखे जाने में से। अगर दोस्तों कुछ अन्य बात करें हम फैक्ट के बारे में दोस्तों तो इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी था वो सुरेश प्रोडक्शन करके दोस्तों कंपनी ने इसमें काम किया था और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुरेश प्रोडक्शन ने ही किया था। और दोस्तों यह फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो 7 नवंबर 1980 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी और कंट्री इंडिया और लैंग्वेज हिंदी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म की प्लॉट की यानी कहानियाँ की तो किशन इज़ द स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट फॉर हुम द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग प्रैंक्स एंड ट्रबलिंग द पीपल्स अराउंड। यानी कि दोस्तों इसमें जो किशन होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ मजाक करना दूसरों को प्रैंक करना यानी कि दोस्तों मतलब प्रैंक करना और सारे जो प्रॉब्लम पीपल्स थे उनको ट्रॉबल में डालना यानी परेशान करना ही उनका एक शरारती अंदाज था जो फाइनली ही इज थॉट द लेसन इन ह्यूमैनिटी बाय फ्यू स्टूडेंट मधु। यानी कि दोस्तों जो एक और स्टूडेंट मधु थी वो उनको ह्यूमिलिटी यानी जो इंसानियत है उसका लेसन सिखाती है। ही अंडरस्टूड अ ड्रामा चेंज इन आउटलुक एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी जब वो सिखाती रहती है दोस्तों तो इन्हीं सिलसिले में जो है किशन को मधु से प्यार हो जाता है। किशन प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही विल मैरी मधु एंड ऑन द डे ऑफ इंगेजमेंट। और दोस्तों जो वो किशन होता है अपने पिता को बताते हैं कि वह आगे मधु से ही शादी करेगा। इन्हीं सब स्टोरी के साथ दोस्तों यह फिल्म आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों बात करें हम रिसेप्शन की तो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेयर 2.90 करोड़ इन 1980। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म 290 करोड़ की कमाई करी हुई थी। इट रिसीव्ड 4 स्टार इन द बॉलीवुड गाइड कलेक्शन। और दोस्तों ये 4 स्टार लेकर के बॉलीवुड में अपना छाप छोड़ गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में जो संगीत की तो दोस्तों इसमें जो संगीत है वो लता मंगेशकर जी ने दिया था, आशा भोसले जी ने दिया था, किशोर कुमार जी ने दिया था और दोस्तों इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल जो है उसके लिए दिया था। अगर दोस्तों हम कास्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें कि राजेश खन्ना, हेमा मालिन, डैनी बिंदल, तनुजा, ओम प्रकाश, ओम सिपुरी और असरानी जैसे कई सारे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया था। बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं अभी तो यह नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियोस में। नमस्कार।